नाउ देखिएगा, आज हम एक नए सिरे से क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद मैंने ये दिनेश की बुक निकाली, एंड द राइटर इज ओपी अरोरा एंड वी के भंडारी। इनमें आपके वन मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आज हम वन मार्क्स के क्वेश्चन से इन क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। दो दिन मैंने पिछले इंट्रोडक्शन में और कल मैंने एंगल्स के बारे में आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका सॉरी करस्पोंडेंस एंगल आपका बताया था, वर्टिकली अपोजिट आपका एंगल्स बताया था, लीनियर पेयर आपको बताया था, को इंटीरियर एंगल आपको बताया था, इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको बताया था, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपको बताया था। इन सबको मतलब मैंने वेल रिकग्निशन आइडेंटिफिकेशन के साथ आपको बिल्कुल क्लियर किया था। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स की फिगर्स में भी अपोजिट एंगल्स को आपको बताया था। एंड वेरी शॉर्ट बिट द नॉलेज आई हैड गिवन यू कि देखो आपका रेक्टेंगल हो गया या आपका रोम्बस हो गया या स्क्वायर हो गया, ये सब आपका पैरेललोग्राम्स होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। उसके बारे में कल हमने बिल्कुल डिस्कस किया था। आज उन्हीं को मैंने आपको बहुत क्लियर कहा था कि अगर आपको एंगल्स के रिलेशंस के बारे में पता है कि आपका एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो इसका मतलब आपका ना आपकी 40% की बिल्कुल क्लियरेंस है। 60% के लिए आप हाथ से कम कर रहे हैं। मीन्स जो क्वेश्चन सीरीज है वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट अप। ओके, नाउ एन एंगल इज 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपका नाउ व्हाट इज इट्स मेजर। अब जब आप इसकी बात होती है तो सबसे पहले हमारे जहन में जो सबसे पहले जो बात आती है वो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेसिकली आपका नाउ ये इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ टू एंगल्स आपका बेसिकली ये होता है। आपका नाम इसका मतलब वन एंगल और प्लस एनदर एंगल यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट आपका वन कॉम्प्लीमेंट ये देखो एंड प्लस अदर कॉम्प्लीमेंट। इज इक्वल टू दिस इज द कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका जिसको कहते हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स आपका नाम दिस इज 90 डिग्री। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज कमिंग 90 डिग्री वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और जिनकी मदद से विद द हेल्प ऑफ द टू एंगल्स सो वन इज कॉम्प्लीमेंट टू अनदर एंड अनदर इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फर्स्ट वन। आपका आप इसको कह सकते हैं आपका नाम लेट द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इज आपका एक्स डिग्री कॉम्प्लीमेंट तो देयरफॉर द सेकेंड कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस एक्स होगा 90 माइनस एक्स। क्यों होगा? क्योंकि देखो जब आप इन दोनों को मैंने क्या बोला था वन कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर कॉम्प्लीमेंट आपका 90 माइनस एक्स है आपका देखो और ये दोनों आपका इक्वल टू 90 आना चाहिए। रिजल्ट के लिए आना चाहिए तो देखो कैसे आएगा ना दो एक्स डिग्री प्लस 90 फिर गोइंग टू ओपन द राइट एंड लेफ्ट पैराथेसिस एक्स एक्स खल्ला आपका देखो 90 डिग्री। क्लियर हो गया? कोई शक है तो बताइएगा प्लीज। ठीक है जी, तो आपका देखो अब आपका क्या हो गया ए इसका मतलब वन कॉम्प्लीमेंट एक्स डिग्री और प्लस ये 90 माइनस ये मैंने सही लिखा है? जरा मुझे बताइए, जल्दी बताओ यार भाई, कॉम्प्लीमेंट है तो 90 माइनस एक्स तो होगा, हाँ या ना? अरे इस 14 मोर ये जो कॉम्प्लीमेंट है यानी कि ये जो आपका देखो ना इसका मतलब क्या, अगर आप इसको देखेंगे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आपका जरा देखो इस का मतलब ये आपका देखो ना सेकेंड कॉम्प्लीमेंट से आपका ना 14 डिग्री ज्यादा है, 14 डिग्री मोर। मोर मीन्स प्लस। आपकी लैंग्वेजेस को समझना बहुत जरूरी है। आइदर दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर वन मार्क्स टू मार्क्स थ्री मार्क्स और फोर मार्क्स। देखो आपका क्या लिख रहा एन एंगल, एक एंगल आपका 14 मोर देन है अपने कॉम्प्लीमेंट से यानी कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आपका देखो और क्लियर लिख दो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू
14 more than second component. ये आपका एग्जैक्टली दैट्स द करेक्ट स्टेटमेंट आपकी बन गई. इन अदर दिस इज एक्स डिग्री प्लस इसमें 14 डिग्री में आपका 90 माइनस एक्स डिग्री इज इट क्लियर. उधर जाएगा तो ना देखो एक्स डिग्री इज इक्वल दिस इज द 90 प्लस 14 आपका आ गया दिस इज ओटी माइनस एक्स उधर गया तो ना देखो 2x डिग्री इज इक्वल 90 प्लस 14 कितना हो गया 104. Is that clear? So now, x degree is equal to 104 by 2. This is called the bicross multiplication. Yaad rakhega. Whenever you are solving the questions either on any topic, that may be your volume and surface, that may be aapka geometry, aapka now, that may be your algebra, aapki proper acknowledgement, applications aapka which you are, aapka now, ye define karne ka tarika aapka bahut clear hona chahiye, tabhi aapka now, concept clear hoga. Mere hisab se. अगर 102 is divided by 2 तो शायद आपका 52 degree तो नहीं आता. तो therefore आपका देखो now hence require first complements जो आपका होगा देखो या required angle भी आप लिख सकते थे required ये first complement required angle इसे बोलो आपका देखो 52 degree. और अगर वो पूछता है कि another आपका another complements you have to find out another complement that is your 90 minus x degree ka so 90 mein se you have to subtract this minus 52 degree so this is 85 is 38. Is that clear? Agar puchta if nahi to aapka sawal yahi khalas ho gaya. Fine, any doubt please do it. Dekhiye iska matlab complementary angle ke liye आपका नाम देखो दिस इसका मतलब ये आपका x एक्सिस हो गया ये आपका ओ जीरो जीरो हो गया. अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से ले रहे हैं आपका नाम देखो दिस ये 90 डिग्री हो गया मींस इन बिटवीन फ्रॉम 90 डिग्री आपका नाम टू जीरो डिग्री इसके बीच में आपका कहीं भी अगर दो एंगल्स का सम आपका नाम देखो दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है दैट्स नोन एज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. याद रखिएगा इसकी आपकी एक कॉमन आर्म होगी एंड आप इसको ये भी ये जो आप कह सकते हैं दिस एंगल ये जो आपका अल्फा या बीटा अगर मैं इसको नाम दे दूं तो आपका नाम दिस अल्फा इज एडजेसेंट टू द बीटा एंड बीटा इज एडजेसेंट टू द अल्फा एंगल आप कह सकते हैं इसको देखो नाम दे सकते हैं. मैंने वही बोला कि सवालों को गहराई से समझिए आपका नाम आपका देखो नाम. अब सप्लीमेंट्री एंगल्स की अगर हम बात करते हैं एक्चुअल में बोथ द एंगल्स आर सप्लीमेंट टू ईच अदर आप जिसको कहते हैं सप्लीमेंट. आप जब कॉम्प्लेंट्स वगैरह आपका कहते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री आपका उसमें सप्लीमेंट आपका सप्लीमेंट्स क्या क्या है क्या क्या इंग्रेडिएंट है मतलब खाली इनको ऐसे मत समझिए कि मैथ की लैंग्वेज में आप समझ रहे हैं और बस आपके छुट्टी हो गई. सप्लीमेंट क्या क्या है आप टॉफी खाते हैं जो आप बिस्किट आप लेते हैं बिस्कुट नहीं है बिस्किट सैलेड बाप रे क्या खाए सैलेड सलाद बोलने में दिक्कत आती है सलाद ऐसा लगे जैसे लाद आगे से लाद निकल गई ना तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में आपका देखो इसमें आपका क्या होगा इसमें भी बिल्कुल इसी की तरह आपका नाम देखो दिस इज एक कॉमन आर्म होती है सी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है दिस इज आपका ये ओ हो गया दिस इज ए इसको बी आपका नाम यानी कि वन स्ट्रेट एंगल इज डिवाइडेड बाई वन कॉमन आर्म आपका नाम इज डिवाइडेड इंटू टू आपका not half two parts one is the smaller part and the another is ye angle bhi iska adjacent ho gaya dekhiye aapka now dekho this to one is aapka acute angle aur dusra aapka now obtuse angle ho gaya supplementary angle aapka now dekho this and both are adjacent to each other aur adjacent mein common arm ke either sides mein aapka jo angles hote hain jo bahut aapka maine ye isliye bata raha hu complementary angle ko isko aa gaya aapka the measure of an angle is twice the measure of its supplementary angle aapka now dekho this इसका मतलब सॉल्यूशन नंबर टू इधर सॉल्यूशन नंबर नाउ लेट द रिक्वायर्ड सप्लीमेंट इज एक्स डिग्री कर दिया अपन तो देन इट्स अनदर
supplement is supplement is 180 minus exponent. क्योंकि whenever you will add these worker first supplement or plus आपका second supplement is equal to complete 180 degree straight angle आपका हो जाएगा. This is straight angle. Straight angle is always of your 180 degree. आपका if you will add आपका x degree first supplement को second supplement के साथ आपका देखो this is 180 आपका. इसका मतलब it's a very right thing आपका. अब आपका ये हो गया. देखो अब जरा इनकी condition पे बेहतर काम करेगा. देखो ना कंडीशन या स्टेटमेंट आपका देखिए क्या बोलता है. द मेजर ऑफ एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इज सप्लीमेंट्री एंगल आपका. इसका आपका देखो यानी कि फर्स्ट सप्लीमेंट या फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल भी आप लिख सकते थे. आपका देखो ये कहीं किसी इज इक्वल टू आपका ट्वाइस ऑफ सेकेंड आपका सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट भी आप लिख सकते थे सप्लीमेंट्री आपकी जो मर्जी है सर. अब आपका सीबीएसई तो कहता कोई दिक्कत नहीं अगर बच्चे का आपका सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बिल्कुल सही है. फिजिक्स को अगर वो आपका पी एच वाई एस आई सी एस नहीं लिखता है उसने पी एच वाई एस आई एक्स लिख दिया वैसे तो बिल्कुल ये फिनोटिक शब्द यहां नहीं चलेंगे. मतलब इंग्लिश में आपके यहां बच्चा फेल हो जा रहा है इंग्लिश मीडियम में लेकिन हिंदी में 90 नंबर ला रहा है. अभी कहते हैं कि 87, 88 और 89 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो दो चारों के तो घोड़े खुल जाएंगे. अभी फर्स्ट जस्ट आई वाज स्टैंडिंग अप इन वन शॉप. हाँ आगे एक डेयरी खुली है हमारे इधर में आपका ना डीएमएस जैसी हो इसी रोड में एक दूध की डेयरी खुली है आगे जा करके पहले मार्केट में था अब यहाँ आ गई है. तो ना मैं नाम तो उसका मुझे याद नहीं रहा दिल्ली के डीएमएस की तरह ही हो. बार एक लड़की मैं भी डॉगी को लेकर के चला गया तो मैंने कहा यार उसको आइसक्रीम अच्छी लग रही तो मैंने कहा आइसक्रीम खिला देता हूँ उसको घर ले जाके. लेकिन मैं रास्ते में कहीं मैंने जैसे अपने बच्चे के लिए करता था आपको किसी भी चीज़ की डिमांड करता आपका छोटा भाई. जैसे आपका भी छोटा ब्रदर है आपका भी छोटा ब्रदर है छोटा ब्रदर सिस्टर है घर में आपके भी छोटे ब्रदर सिस्टर है. अगर वो देखो मार्केट में आपके साथ जाते हैं और आपको अगर कोई डिमांड करते हैं किसी चीज़ की मुझे टॉफी चाहिए दो लेकिन वहां पे मत खिलाओ कुरकुरे वहां पे नहीं घर आकर के उसको बोले पहले ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर को दो शेयर करना सीखो. जिंदगी में आपका देखो आप अकेले अकेले उसको खाना सिखा रहे तो वो भी गलत है शेयर करना सिखाओ. तो मैं अपने डॉगी को भी यही है आपका नाम कि कोई चीज़ को मैं उसको जब ले जाता हूँ तो अब मेरे फादर बैठे रहते हैं. अभी मॉर्निंग में मैं अपनी बेटी को रिसीव करके लेकर के आ रहा हूँ माय वाइफ इज देयर थोड़े दिनों पहले मेरी सिस्टर भी थी. तो हम क्या करते हैं साथ में उसको साथ में बैठने के बाद डाइनिंग टेबल में तो नहीं बिठाता हूँ लेकिन उसको भी अपने बगल में थोड़ी दूर में उसको बैठा करके याद रखिए जो मैं खाता हूँ हालांकि कुत्ते को मीठा नहीं देना चाहिए लेकिन मैं थोड़ा सा उसको टेस्ट कराता हूँ आगे जा कर के कभी अगर जाना तो सबने एक दिन ऊपर ही है. एंड जो उसकी मिनिमम एज होती है डॉगी की आपका 14 ईयर्स होती है मैक्सिमम भी आप वही लगा लो यानी कि हमारा बच्चा जो चीज़ 5 साल में सीखता है वो 1 ही साल में सीख लेता है आपका नाम. अब आप लगा नहीं सही कुत्ते के सेंस ऑफ ह्यूमर कितना हाई होता है तो उसको कभी कभी चुपचाप छुपा करके आम का टुकड़ा भी दे देता हूँ तो भी चख ले यार क्या स्वाद है. लेकिन साथ बैठ के अकेले अकेले खाने की आदत अपनी भी मत बनाओ शेयर करने की आदत बनाओ पढ़ाई में शेयर. अब कपड़े नहीं शेयर करने के लिए बीमारी आ सकती है. शेयर करने का मतलब ये नहीं होगा कि उसके साथ बैठ करके खाना खा रहे. जरूरतमंद को अगर आपको रोटी की जरूरत है और कोई आ रहा है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम पैसा मनी उससे बढ़िया भाई तेरे को भूख है ना ले खाना खिला दो छक. अब इतना भी नहीं कि पूरा कनस्तर खाली करके दे दो शाम को गाली खाओ मम्मी के हाथ कि मम्मी अगर थोड़ा लेट आ गई पापा ने रही उनका घर में अरे घर में तो आटा ही नहीं बचा. अपना लुटा करके मत दो लेकिन इतना दो कि वो भी रसलाइज होकर के चला गया मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए. उन चीजों को बिल्कुल तभी मैंने कहा हर चीज की अपनी एक लैंग्वेज होती है उसको आप ध्यान से समझिए. बच्चा मात खा रहा है उस हिंदुस्तान में हमारा बच्चा मैथ में मात खा रहा है जहां बड़े बड़े ब्रिलियंट शॉट रहे हैं. जहां मैंने कल भी कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने आपका 0 पे 72 घंटे नॉन स्टॉप भाषण दे दिया. हम इंडियंस की अपनी एक खासियत है आज हमारे कल्चर को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें अच्छा है. अब यूट्यूब चैनल्स को देख के अभी देखो कुंभ था
कुंभ में देखो अंग्रेज आए थे, इंग्लैंड से आए थे, जर्मनी से आए थे, आपका नाम उनमें आपका देखो, वो इंडियन कल्चर्स के बारे में उनको सारा पता है। आज वहां पे मैं देख रहा था, इंग्लैंड में एक स्कूल है जहां सुबह सुबह प्रार्थना होती है, संस्कृत में प्रार्थना होती है, और आपके यहां अंग्रेजी बोलनी आते हैं हम नाम नाम करके। मैं एक बार किसी पुलिस वाला कोई, मैं यहाँ पे पुलिस वाले की बात नहीं कर रहा, पेरेंट्स बड़ा उछलता है, यहाँ पे एक बड़ा स्कूल है जिसमें आप पढ़ते हैं, वहां देखा मैंने तो नर्सरी से लेकर के जो उनके फॉर्म निकलते हैं उस समय ऐसी भीड़ लगी रहती है जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में यही एक स्कूल है। 300 रुपए का फॉर्म, 1000 फॉर्म बट गए तो 1000 × 300 रुपए का फॉर्म आपका लगा लीजिएगा कितने हुए, 3 0 और 2 0 लगा लीजिएगा, 5 0 जब किसी डिजिट के पीछे लग जाते हैं तो लाख हो जाता है वो, लाख। सिंपल सी बात है, एक फॉर्म को साइक्लो स्टाइल कर दिया आपका, 1000 रुपए के सारे फॉर्म बन गए, अगर भाई 3 लाख रुपए की कमाई कर दिया, अगर गलती से 3000 छप गए तो लगा लो आपका कितना हो गया, 9 लाख रुपए की कमाई कर दी। तो बड़ा उछल रहा था एक पुलिस वाला, अभी मैंने कहा उछल क्यों, आज मुझे फॉर्म मिल गया, आज मुझे फॉर्म, अबे मैंने कहा तैयारी करा घर जाकर के, उछल क्या रिया, यहां तो ये स्कूल ऐसा कि यहां तुम्हारा बच्चा निकल भी जाता है अप्रोच मिल जाएगी तो। मैं अपनी बेटी का एडमिशन कराने जा रहा था तो नाम नहीं बताऊंगा, एक एसडीएम साहब थे जो मेरे चाचा जी के टाइम पे नायब तहसीलदार से लेकर के तहसीलदार मेरे सामने बने, एसडीएम मेरे सामने बने, और आज हरिद्वार में और कहीं है, यहां भी कई बार आए, और जब भी मैं उनको देख के रुकता था तो वो अगर रोड के दूसरी पार है इतना अच्छा मानते थे मुझे कि सड़क तू वहीं रहो मैं आ रहा हूं तुझसे मिलने। मेरे फादर भी होते थे, आई यूज्ड टू आस्क टू माय फादर दैट पापा हैव यू रिकॉग्नाइज हिम, बोले यस, उनका नाम लेकर के ये सच एंड सच। तो उन्होंने सोचा कि मैं उनके पांव छूने गया, उन्होंने सोचा ये एडमिशन कराने के लिए तो नहीं बोल रहे, ये पांव ये पीछे हटाए। अरे मैंने कहा एसडीएम साहब मैं आपके पांव छूने इसलिए आया क्योंकि आप मेरे चाचा जी के साथ आपके थे, मैं एडमिशन कराने के लिए नहीं आया, एडमिशन मेरी बेटी का हो गया और बिल्कुल फेयर हुआ, ये मिठाई बांटने आया हूं मैं इस स्कूल में। स्कूल इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट, आप किस में पढ़ते हैं? जब से बोर्ड हटा है ना, जब से इंटरनल असेसमेंट है, हल्द्वानी के ऐसे ऐसे गधे गधे स्कूल हैं कि जिन्होंने अपने आप को सोच लिया कि सबसे बड़े हम हैं, 35-35 बच्चा 50 में से 90% से ऊपर लेके आ रहे हैं। जब बोर्ड के एग्जाम होते थे आपका ना इंटरनल असेसमेंट था तब तो आपके यहां से एक ही बच्चा निकल के बड़ी मुश्किल से आता था। अब आप लगा लीजिए, तो मींस आपकी हमने इंटरनल मेमोरी को खाली भरा है, आपकी इंटरनल अंदर की असेसमेंट को हमने नहीं किया, वो इंटरनल असेसमेंट नहीं जिसमें फ्री में नंबर मिल जाते हैं। तो इन चीजों को आपका विशेष ध्यान दो, ये स्टेटमेंट ये कंडीशंस को जब समझ गया, ये तो छोटी सी कंडीशंस है, जब आप टेंथ में जाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में और आपका ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब आप वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं आपका ना, या हाइट एंड डिस्टेंस आपका, मैं तो पढ़ाते पढ़ाते बुढ़ा हो गया हूं। अब जैसे कल ही टेंथ के बच्चे कह रहे थे सर बहुत खतरनाक लग रही है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने कहा अभी आपने शुरुआत ही 2 ही दिन हो रहे, 3 ही दिन, खतरनाक नहीं है, जब किसी चीज को सोचोगे कि ये मुश्किल काम है मुश्किल काम है मुश्किल काम है तो मुश्किल ही लगेगा। आपको बुखार आ रहा है और आप कहते नहीं मुझे कुछ नहीं, 4 रोटी जम के खाई आपने, बुखार भी भाग जाएगा। आप कहोगे मुझसे ये काम हो ही नहीं रहा, होगा ही नहीं, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई कैन मैनेज इट, तो डेफिनेटली वो होगा। तो उसके लिए आपको बेटर ही है, आपको उनकी ये अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी आपको, एक्चुअली व्हाट द स्टेटमेंट हैज अ डिमांड, आपका इसकी डिमांड क्या है, इसकी डिमांड तो फर्स्ट सप्लीमेंट मेरा क्या है, एक्सडी हो जाता है, ट्वाइस का बता दो मल्टीप्लाई, सेकेंड आपका सप्लीमेंट आपका देखो, तो ना दिस एक्सडी, ये मोनोमियल हो गया, ये मोनोमियल है एंड दिस इज द नेगेटिव बाइनोमियल हो गया आपका, ना देखो तो 2 180 जा 360 एंड आपका प्लस माइनस का माइनस 2x का 2x, ये देखो ये अपने मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया, नाउ इट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम दिस राइट, सो नाउ द साइन विल बी चेंज व्हिच इज नोन एज आवर ओटी ऑन ट्रांसपोजिशन,
ऑपरेशन थिएटर का मतलब ही है, जो लोगों की आंत काटने जाते हो ना आप, तो आपका चाकू छुरी बलम सब होते ना ऑपरेशन में, आपका डॉक्टर जब करते, तो यही तो ऑपरेंस ही तो है आपका, ना तो ना दिस इज द 3x डिग्री, 1x एंड 2x आपका 360, तो ना x डिग्री इज इक्वल टू 360 बाय 2 120 डिग्री। इसका मतलब आपका फास्ट सप्लीमेंट x डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री जो आपको फाइंड आउट करना है। और अगर वो बाई दी आपका ना सेकेंड सप्लीमेंट के बारे में पूछता है आपका, नाउ देखो दिस दैट वाज योर 180 माइनस एक्स था, सो नाउ दिस 180 माइनस 180 एंड दैट वाज 120, नाउ 60 डिग्री एंड 120 प्लस 60 दैट इज आपका 180 डिग्री आपका, इज इट क्लियर? फाइन, डू इट प्लीज। कहीं पे नहीं आता जरूर पूछो, मुंह खोलो। अब देखिएगा, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। आपको याद दिला दूं कि पहले 9th में एक चैप्टर होता था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये देखो इसमें टाइप्स ऑफ रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो, कंपोजिशन ऑफ रेशियो में कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो वगैरह सब आते थे। आज ये चैप्टर पता नहीं किस महान भाव ने इसको खत्म कर दिया। कई बच्चों को पता ही नहीं, इंटरमीडिएट तक पता नहीं है, प्रोपोर्शन आता था। प्रोपोर्शन में आपका ना इसमें एक्सट्रीमीज आती थी, जैसे ये आपका ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी कहते हैं। इसका मतलब देखो ए बाई बी, ये आपका जो दो कॉलन आप देखते हैं, ये आपका देखो सी बाई डी आपका, जब आप करेंगे ए डी और आपका इज इक्वल टू बी सी आता है। ये देखो अंदर वालों को, ये जो बी और सी है इनको आपका देखो दिस इज कॉल्ड आपका इसको मीन कहते थे, और ये बाहर वालों को आपका नाम देखो दिस इज एक्सट्रीम कहते थे इसको आपका, जैसे ये है ये यहां पे आपका देखो दिस इज ए डी बाहर वाले इसको लिखते थे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू आपका नाम देखो प्रोडक्ट ऑफ आपका देखो मीन। मैंने वही बोला कि खाली मैं आपको सवाल करा दूं, थोड़ा सा डिटेल में भी आपको बताना है मेरे को आपका नाम देखो दिस इज। इसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होते थे, इनमें आपका नाम कई चीजें थर्ड प्रोपोर्शन इसमें निकालना होता था। इधर सर इधर प्लीज इधर उधर ताका झांकी नहीं करो, इसी में आपका यूजफुल रिजल्ट आपका देखो ऑन प्रोपोर्शन में आता था। जैसे कई बार आपका इनवर्ट टेंडो क्या होता है आपका देखो दिस इनवर्ट टेंडो इधर सर, जैसे ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू आपका देखो ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी होता था। इफ यू एंड इधर सर प्लीज इफ इंटरचेंजेस द प्लेसेस, अगर आप इंटरचेंजेस द प्लेस बी रेशियो ए आपका नाम डी रेशियो आपका नाम देखो सी कर दे, तो दिस इज कॉल्ड द इनवर्टेंडो, ये आपका इनवर्टेंडो हो गया। देखो इसी में आपका दूसरा होता था आपका देखो ना ये ऑल्टरनेंडो। अब कई तो इसमें कहेंगे इसका क्या मतलब क्यों नहीं भाई, रेशियो आ गया तो रेशियो आ गया, तो बच्चे को अगर एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं तो क्या पूरा करो, क्यों ठीक है ओके। तो ना ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो में भी देखो ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी है आपका देखो। अब आप करेंगे अगर ये ए रेशियो सी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो डी आ जाता है, यानी कि ये इन दोनों में आपका इंटरचेंजिंग हो रही है आपका, तो इनको आपका कहते हैं ऑल्टरनेंडो। इसको लिखने का तरीका भी देखो ए बाई बी इज इक्वल टू अगर आपने सी बाई डी कर दिया ये देखो, और अगर आप इसको ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी यानी कि ये देखो आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड रिप्लेसमेंट अगर आप इसको कहते हैं आपका देखो ना दिस इज तो आपका ये ए रेशियो बी रेशियो सी बाई डी यानी कि बी और सी सिर्फ इंटरचेंज हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द ऑल्टरनेटिव। इसी में तीसरी चीज आती थी कंपोनेंडो। कई क्वेश्चंस आपके दिए हुए और बच्चे को पता ही नहीं तो क्या खाक पड़ेगा आपका कंपोनेंडो। कंपोनेंडो का मतलब क्या हो गया कि देखो ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी है, इसका मतलब देखो ए
प्लस बी अपॉन बी सी प्लस डी अपॉन डी, अगर ऐसे हो जाएगा ए आपका एक कंपोनेंट हो जाएगा। कैसे? ए रेशियो बी ओवर सी रेशियो, इसमें क्या करते हैं एडिंग, एडिंग प्लस वन ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड एडिंग वन भी आपका प्लस वन क्या मतलब एडिंग वन आप लिख दिया आपका किसका मतलब ए बाई बी प्लस वन इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस वन, आपका बी वन जा बी तो देखो ए प्लस बी बाई बी यानी कि एलसीएम आ गया, और इसे करते हैं सी प्लस डी अपॉन डी ए बी एलसीएम आ गया, तो ये आपका कंपोनेंडो हो गया। कंपोनेंडो इसी में आपका देखो फिर आता डेविडेंडो, डेविडेंडो में देखो ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी है, तो आपका देखो सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से वन को आपका माइनस कर दीजिएगा, तो देखो आपका ए बाई बी माइनस वन इज इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस वन, तो ये ऊपर चला गया, देखो ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन डी, दिस इज कॉल्ड द डेविडेंडो। फिर इन दोनों को मिला करके सी एंड डी आता है आपका, देखो कंपोनेंडो एंड डेविडेंडो, इसमें क्या करते हैं जैसे आपका ना ये सेकेंड इक्वेशन हो गए एंड इफ इट इज फर्स्ट आपका देखो आप या तो ऐसे पूरी प्रोसीजर की याद करो नहीं तो आपका देखो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, आपका देखो इक्वेशन नंबर टू ऑन बोथ हैंड्स या बोथ साइड्स, आपका देखो ना तो ये ए प्लस बी अपॉन बी या देखो आपका ना ओवर सी प्लस डी अपॉन सॉरी ए माइनस बी अपॉन बी लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट आपका देखो ना, तो थोड़ा सा आप भी कंसंट्रेट करिएगा ऊपर, और आपका देखो सी माइनस डी अपॉन डी, यहां पे जो प्रोपोर्शन और रेशियो का एक फॉर्मूला लगा ए बाई बी इज सेपरेट बाय सी बाई बी, जो रेशियो और प्रोपोर्शन का जो साइन आपका ऐसे लगता है ये ऐसे करो ये ऊपर चला जाएगा ए डी ओवर बी सी, वही जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ओवर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ओवर प्रोडक्ट ऑफ मीन आपका आ जाता है, ये आपका इसका मतलब, तो देखो बी से बी खल्लास इससे ये खल्लास, तो देखो ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस बी, ये कंपोनेंडो एंड डेविडेंडो आ गया। देखो मतलब जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं आपका देखो मैंने सिर्फ इतने पोर्शन के लिए आपका देखो इतनी चीजें बताई, आगे जाकर के कंपटीशन लेवल में या आप जब अलग अलग राइटर्स की किताब आपके पास होती है डिफरेंट बच्चों उनका ये कैसे होगी, तो ये ऐसे ही होता है। आप ट्वेल्थ के बच्चे को जरा पूछ लीजिए आज की तारीख में, भैया जरा दीदी इन्वर्टेंडो क्या होता है, मैंने तो सुना ही नहीं, तो फिर तू गया ही क्यों इलेवन ट्वेल्थ में, पीछे आता ना दस साल, दस में दस साल तक लटक जाता, तेरे पास होने का मतलब ही क्या है। तो ऐसे ऐसे टुच्चे बच्चों को अगर सरकार पास करवा रही है तो मैं ये समझता हूँ ये अच्छे बच्चों का अहित है, अच्छे बच्चों का अहित है, मेहनत करने वाले जबरदस्ती पास हो तो पास हो, खा नहीं खाता मर्जी है उसकी, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो खा नहीं पढ़ता हूं, सभी पढ़े लिखे थोड़े ना होते दुनिया में, सभी आईएएस आईपीएस थोड़े ना बन जाएंगे, सभी डॉक्टर इंजीनियर बन जाते तब तो हो गया था, अब सभी दुनिया में अगर डॉक्टर और इंजीनियर पूरा हिंदुस्तान बन जाएगा तो क्या होगा, खुद ही अपना इलाज करना, फिर कमा लिया तुमने पैसे, खुद ही अपने घर का पुल बनाते रहना, अपनी छत से पड़ोसी की छत में जाकर ओवर ब्रिज बना देना, नीचे सुरंग खोद के गली पार तब तो लोग कहेंगे अगर उग्रवादी आतंकवादी हो गया है, अब तो सुरंग भी बनाने लग गया। पेरेंट्स की ना यहां पे कल आई वॉज जस्ट लुकिंग, आपने एमबीए चाय वाला बिल्लौर करके आप एक लड़का जिसने एमबीए चाय वाला अभी चंडीगढ़ में कल वो एमबीए चाय वाले की दुकान खोल रहे थे चाय बनाते घर में, बड़े अच्छे घर का था, एमबीए करने की चाहत थी, कैट फैट नहीं निकाल पाया, पूरी किताबों का अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद उसने कहा यार कुछ तो करना ही है, दुर्घटना से देर वही अलर्ट अवॉइड एक्सीडेंट जिसको आप कहते हैं, ये एक्सक्यूज वो लोग देते हैं जिनकी जिंदगी में जिनको कुछ करने की चाहत नहीं होती, लालसा नहीं होती, डिजायर नहीं होती, मैंने कुछ करना है, अजगर की तरह पड़े रहते हैं,
लेकिन असगर पढ़ता कब है, उससे पहले वो भी मेहनत करता है, कहीं छुप के आ रहा है, वो भी मेहनत करता है, इतने बड़े अपने शिकार को ढूंढता है और उसके बाद अब एक महीने तक सो जाता है। लेकिन वो जानवर ज्यादा मेहनत कर रहे इन कंपेरिजन ऑफ वी पीपल, आपका नाम हमें सेंस ऑफ ह्यूमर हमारा खत्म हो गया, आप समझ रहे। तो मैं उनका देख रहा था आज उनके, अब फॉरन में भी एमबीए चाहिए, वो एमबीए करने की चाहती नहीं कर पाए तो उन्होंने अब एमबीए, एमबीए में वो हो गया एम जो एमबीए का एम होता है, मास्टर ऑफ बिजनेस है, बी का मतलब उनका नाम जो है बिल्ला, और ए का मतलब अहमदाबाद में उन्होंने चाय की दुकान खोली है, डोमिनोज में भी उन्होंने काम किया, झाड़ू लगाया जिसको वेटर की तरह काम किया, अच्छे घर का लड़का। कुछ करने की चाहत जब होती है ना तो वो अपने अंदर एक डिजायर, एक डेवलपमेंट। वही मैं आपको, मैंने तो कल देखा उनका वीडियो, लेकिन मैं आपको शुरू से कहते आया हूं कि अगर आप अपने लिए मेहनत नहीं कर पा रहे फिर आप दूसरे के लिए मेहनत नहीं कर सकते हो। आज से मेहनत करिए, पढ़ाई अपना 5 घंटे, छुट्टियां भी है तो कोई बात नहीं, अरे 18 में से 5 घंटे अगर आप पढ़ाई के लिए निकाल रहे हैं तो आपका, सॉरी 24 में से तो आपका बचे 19 घंटे, 19 घंटे में से 6 घंटे अगर आपने सोने में भी निकाल दिए तो आपके पास बचे 13 घंटे। इन 13 घंटों में क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, खेलोगे, टीवी देखोगे, क्या करोगे? इसलिए मैं माँ बाप से यही कहता हूं कि अपने बच्चे को कभी इतनी फैसिलिटी ना दो आगे जाके निकम्मा, एन फॉर निकम्मा, एन फॉर नालायक हो जाए, जो आज सरकार ने कर दिया, बड़े बड़े एंड्रॉइड आपको दिलवा दिए, हम लोगों की घर की हालत खस्ता है, हम लोगों के बिजनेस, आपका नाम आप खुद ही देखो, मेरी आपका नाम 25 महीने में आपका मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया, डाउन हो गया आपका, समझ लीजिए। उसके बाद भी क्योंकि बच्चों की जरूरत को पूरा करने के लिए चोरी तो मैं कर नहीं सकता और ना मैं किसी को एडवाइस करूंगा, करनी तो हमने मेहनत ही, मैंने दूध की दुकान भी खोली, अब आप लगा ले सका कर, जब मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया तो दूसरा मैंने क्या किया करना, खुद ही देखो आपके सामने, तो मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, जोशी जी के मकान पे ही देखो मैंने आपका खोला था। तो देर इज नो शॉर्टकट फॉर द कैरियर, आपका कैरियर के लिए कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये मैंने इसलिए बताया था आपका नाम जैसे आज एमबीए चाहिए वाला, आज उनके माँ बाप को भी उसमें फक्र होगा। ये हमारी इंडियन टेंडेंसी है, हम ये छोटी मोटी चीजें देने में बड़ा, आपका देखो ना सिंपल सी बात है, क्या बच्चा जब छोटा होता ना बचपन में, उन्हें कहा पापा टॉफी, मम्मा टॉफी, 2 साल का बच्चा चल नहीं पा रहा, टॉफी की दुकान पे ले जाके आपने उसको 1 रुपए की टॉफी दे दी, या 5 रुपए का बिस्किट दे दिया, या 10 रुपए का कुरकुरा दे दिया, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे जब आप उसकी आदत खराब कर देते हो आगे जाके वो 100 रुपया मांगता, 1000 रुपया, जिनकी क्षमताएं, द पेरेंट्स हु आर वेरी मच कैपेबल टू गिव प्रोवाइड द मनी टू दियर चिल्ड्रन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके माँ बाप हमारी औकात ना हो अपने बच्चे को देने, तो हमारा बच्चा क्या करेगा, देखो क्या उसके दिमाग में आएगी, देखो यार मेरे माँ बाप क्या मुझे एक छोटा सा मोबाइल नहीं दे सकते। ये टेंडेंसी हमारा देश क्या डेवलप करा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात आप करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आपका लोन निकालने में कितनी दिक्कत होती है मुझे पूछो। अगर मेरा मोदी जी अगर देख रहे हो, या कोई आपका बीजेपी का या कांग्रेस का लीडर कोई देख रहा हो, या कोई आईएएस ऑफिसर, एक लोन जो प्रधानमंत्री और जिसको सीएम के उससे निकल रहा है, घोड़े खुल जाते, जूते घिस जाते, और उसके लिए मेरा जैसा आदमी चाहिए जो तुम्हारी जान निकाल दे। जब मैंने दुकान का नाम रखा तो वो कहने के इसका मतलब क्या होता है, मैंने कहा डिक्शनरी देखो, आप तो मैनेजर हो, व्हाई यू नॉट लुकिंग आपका द डिक्शनरी, आपका नाम रखिए अपने बैंक में, डिक्शनरी रखिए, आप इसमें कैसे बिजनेस को बढ़ावा दें। आर यू टेकिंग माई इंटरव्यू, नहीं आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर मेरा इंटरव्यू ले रहे तो याद रखिएगा आपके सारे जितने भी बैंक के एम्प्लॉयज हैं बिना देखे वो भी लिखे और मैं भी लिखे, मैंने वहीं पर लिखना चालू कर दिया 2 पन्ने। उसके बाद बेशरम होते हैं, बेशरम बेशरम कहीं भी आपको मिल जाते हैं। वो बैंक में जब मैं गया, मैंने कहा सर वेरी सॉरी टू से दैट आपका नाउ आई केम हियर आपका नाउ 43 times आपका नाउ एंड आई वाज द वेरी फर्स्ट इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट फॉर दिस आपका नाउ एंटाइटल्ड टू दिस लोन
तो बेशरम की तरह बोल रही, अभी तो आपको दो बार और आना पड़ेगा साइन करने के लिए। और उसके बाद जब उन्होंने मैसेज भेजा, अरे प्रधानमंत्री बेरोजगार योजना के तहत ले रहे हैं, या आपका चीफ मिनिस्टर के आपका नाम के तहत ले रहे, उसके बाद देखा आपकी कहने के अनुसार हम बैंक लोन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। मैं गया, व्हाट इज स्टूपिड थिंग, आर यू रीडिंग दिस मैसेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, यू टेल मी, ये क्या लिखा आपने इसमें, आप एहसान नहीं करें, आई विल पे यू द इंटरेस्ट। और इतना बड़ा हिंदुस्तान का इतना बड़ा बैंक है, इससे बढ़िया पता नहीं किस पट्टे ने साला उसको बैंक को दे दिया। किसी छोटे मोटे बैंक को देता तो इतनी परेशानी नहीं होती। मेरे से पीछे वाले जिसका 400 नंबर था उसको भी मुझसे पहले बैंक लोन हो कर दिया, छोटे बैंक से जो ग्रामीण बैंक हमारे होते। और हिंदुस्तान का दूसरे नंबर का बैंक मुझे दे दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद, नेशनलाइज बैंक, क्योंकि जो थोड़ा भी पास होकर के मेहनत करके निकल जा रहा हो हम जैसों को बेवकूफी समझ रही है साला, बड़ी शर्म की बात है। ये वर्ड इसीलिए आते हैं पीछे से जो हम तकिया कलाम लगाते हैं ना, ये चीजें आपने लॉकर में रखा है उसका भी पैसा कटेगा, आप चेकबुक लो उसका भी पैसा कटेगा, हर चीज में पैसा कट रहा उस बैंक में, उसके बावजूद हर महीने में बैंक में जाओ कोई बड़ा अमाउंट लेने के लिए, अरे वो तो वहां से बंद हो गया, फिर उसको खुलवाओ, बैंक मैनेजर से फोन करो, व्हाट इज स्टूपिड थिंग बनेगा। एटीएम के लिए 4.5 महीना जब मैंने उनकी अम्मा याद करवाई तब जाकर के एटीएम आया, और करके वो 2-4 जो छोकरे मुझे बुरा मत मानेगा, जो वो क्या कहूं यहां पे नेशनल में जिनको मिल जा रही है सौगात, सौगात का मतलब आप समझ लीजिए क्या, वो हमको ऐसा समझ रहे लाइन में भी खड़ा हो ना, हमने खड़े रहिए जरा ढंग से, वो कह रही है वो जो अंदर से कैशियर बैठा हुआ उसकी क्वालिफिकेशन मेरे बराबर हो या नहीं हो भगवान जाने, लेकिन उसको क्योंकि नौकरी मिल गई ना उस बैंक में, चपरासी भी वहां सारा चीफ मैनेजर हो रहा बैंक का। छोटी छोटी चीजों को हमेशा लोग कहते, मैंने कहा बिल्कुल इश्यू बनाएंगे इसे, अभी भी मैं गया हूं, ईमानदार आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है सरवाइव करना किसी भी क्षेत्र में हो, मैं इस क्षेत्र में हूं, मैंने बोला आपके अभी स्कूल में होता मैं अभी आपका मास्टर होता मैथ का, अभी फुल 70 बच्चों का बैच में पढ़ाता अब तक, लेकिन मैंने नहीं किया, अभी भी मैं गया, मेरा देखो इसमें रिकॉर्डिंग है अभी, सुबह ट्रेन 4:30 बजे की थी तो मैं वहां गया, घूम रहा मैं इधर से उधर, मैंने कहा काउंटर ही नहीं खुला प्लेटफॉर्म टिकट के लिए, बहुत अड़ियल हूं मैं, फिर तो मैं अपनी औकात में आ जाता हूं, तेरे को जो करना कर ले। गया मैं, एक को पूछा दूसरे को, मैंने कहा सर देखिए आपका, फिर आप कहेंगे कि आप प्लेटफॉर्म टिकट में भी 10 रुपए का टिकट है आपका, कम से कम जब आपको पता है कि 4:30 बजे ट्रेन आती है तो आप क्यों 4:20 पे 4:15 पे क्यों नहीं खोल देते बात को। मैंने फिर उनका नहीं, फिर एक बार 4 चक्कर मारे मैंने, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया कमिश्नर को, अभी बोला भी मैंने काउंटर पे जाकर, मैंने कहा ये वीडियो मैं आपका कमिश्नर को भेजूंगा, प्रॉब्लम किसको, ईमानदार आदमी मैं पकड़ा गया, आप कैसे घूम रहे प्लेटफॉर्म में, आपके पास टिकट है अंदर कर दो जीआरपी इसको, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी मिली है आप उसका मजाक बना रहे हो, ट्रेन आने से 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले 2 मिनट पहले वो ऑफिस को ना बड़ी मुश्किल से मैंने देखे, फिर मैंने 2 लिए, मैंने भी 2 क्यों लिया, मैं आपको बड़ी ईमानदार की बात, क्योंकि मेरी बेटी को हल्द्वानी उतरना था, उसके पास लगेज ज्यादा था, तो मैंने कहा बेटा काठगोदाम उतरो 7 किलोमीटर और ऊपर, मैंने कहा भाई दी भी होगा कि चलो यार उसकी मम्मा आ रही पीछे से, हम तो उनको लेने आए, ये 2 टिकट है देखो आपको दिखा रहा हूं, ये देखो दिख रहे हैं 2 टिकट है 2 लिए, इसीलिए कि अगर कहेंगे वो बात को, वो जो टिकट चेकर होता है जो वहां पे आता है जब आप ट्रेन से उतरते हो कि भाई हम तो पीछे से इनकी मामा आ रही है और क्या नाम कहते हम तो सामान लेके जा रहे हैं, और लास्ट में जब टिकट चेकिंग कर रहे थे मैंने बेटे को चलो निकलो बेटे निकलो नहीं दिखाते हम इसको टिकट, भाई मैंने लिया हुआ, अगर मैं गलत काम कर रहा हूं तो आप मुझे बताओ, मैंने 2 टिकट लिया, ये 2 टिकट है मेरे प्लेटफॉर्म टिकट देखिए, और मेरी बेटी के पास टिकट है वो हल्द्वानी तक का था काठगोदाम, पता चला उसने कहा अच्छा यहां 10 किलोमीटर आप कैसे आ गए,
अरे बच्चे का इतने छोटे बच्चे का इतना हैवी है, वो मुंबई से आ रही है और उसका आपका नाम देखो दे। तो मैं इन चीजों को बात को मैंने टिकट चेकर को टिकट ही नहीं दिखा, मैंने कहा ना मोबाइल में देख लेना इस नाम के, चेक कर ले तू अपने कंप्यूटर पर कि टिकट है नहीं। मैं तो फिर बड़ा चढ़िया लू वो, फिर से आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर अपनी औकात से, तो मैं फिर बिल्कुल बाज आ जाता हूँ फिर। ये देखो ये मैंने इसलिए भी रखे हुए देखो आपको दिखाने के लिए, ये भी प्रेरणा है आपका नाम, एक चीज है गलत काम नहीं कर रहे आपके। देखो एक आदमी के लिए दो मैंने लिए, एक बार मैं अपने डॉगी को भी ले जा रहा था, मैंने कहा उसको भी प्लेटफॉर्म टिकट कटवा, कोई कहेगा अबे देखने ना आदमी की टिकट है तो कुत्ते के लिए भी तो टिकट खरीदी हुई है, चेन है यार पालतू पेट है देख ले यहाँ वैसे ही कितने कुत्ते घूम रहे हैं, इनकी टिकट है प्लेटफॉर्म टिकट है इसके, कैसे घूम रहे हैं अंदर। मैं फिर बहुत जब मैंने आपको बोला मैं तो फिर जब कोई मुझसे बकवास करने में अगर आ गया ना फिर जीत नहीं सकता सुसरा। तो मैंने ये इसलिए बताया कि एक छोटी सी चीज में अगर हमने बच्चों को ये चीजें नहीं बताई तो फिर कुछ नहीं है। देखो इंस्पिरेशन कोई भी हो सकता है। आज एक बच्चे ने आज हिंदुस्तान में 14-15 आउटलेट हो गया, फॉरेन में जाने की भी कोशिश कर रहा है एमबीए चाय वाला, चाय तो बनाता होगा लेकिन वही है, जब आपके स्टार फेवरेबल होते हैं तो आपका देखो ना आप कैसे हाइक करते हैं, लेकिन उसके लिए हर चीज के लिए आपको मेहनत करनी समझना है। अब इसको हो सकता कि कोई कहे इसका क्या तालुकात क्यों नहीं भाई, ये रेशियो नहीं देख रहा तू, तो मैंने रेशियो में प्रोपोर्शन मिला करके बच्चे को बता दिया, ये एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दी। अब आप आ जाइए देखो सॉल्यूशन नंबर 3 में क्या लिखा, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ आपका नाम ना, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स देखो आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, ये आपको गिवन है। इसका मतलब एक फर्स्ट एंगल आपका नाम ये इसी इनके साथ हमेशा एक्स लगा देते हैं या वाई लगा देते हैं, आपका नाम देखो दिस इज़ आपका सेकेंड एंगल इसी को आपका देखो 3x सप्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब अगर आप इसकी कंडीशन देखेंगे आपका सप्लीमेंट ये दोनों बोथ आर सप्लीमेंट टू ईच अदर ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल इसी को 180 डिग्री, दिस इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल। The sum of two angles is equal to आपका 180 degree, ये करेंगे if this is 2x plus 3x is equal to 180 आपका नाम this is the 5x is equal to 180 आपका x is equal to 180/5 ये आपका देखो by cross multiplication में x जोड़ कितनी बार काट दूं 36 टाइम बढ़ा दूं इसको, आप कहेंगे तो मैं नहीं तो 35.9 भी कर सकता हूं, आप मुझे बताइए काट दो ओके कैंसिल कर दिया ठीक है सर, देख लीजिएगा 35.9 तो नहीं आ रहा है, फिर भी मैं 35.9 को मैं 36 कर सकता हूं, कहीं 36.1 तो नहीं आ रहा है ये चेक कर लो यार। तो देयरफॉर आपका देखो जो फर्स्ट एंगल जो आपने 2x लिया था 2 × x का मतलब 36 36 × 2 = 72 ही होता है, अरे श्योर खाली मेरी हाँ में हाँ मत मिलाना। Now, second angle is equal to 3x है, तो आपका देखो 3 × 36 is equal to कितना हो 108 हो गया क्या बताओ यार, 36 3 सा एंड 72 प्लस 108 is equal to 180 हो गया, तो सप्लीमेंट्री एंगल आ गया, इज इट क्लियर, प्लीज डू इट। इस क्वेश्चन में मैंने हल्का सा इसको थोड़ा मॉडगेज कर दिया, ट्विस्ट कर दिया इस क्वेश्चन में, इसमें इन द गिवन फिगर लिखा हुआ था मैंने सब कुछ, ज्योमेट्री में जिस बच्चे ने हाइट एंड डिस्टेंस में 10th में वॉल्यूम एंड सरफेस में सर्कल्स में ट्राइंगल्स में बिना फिगर दिए अगर आपने क्वेश्चन से फिगर बना दिया तो भी आपका इट मींस कि 40% का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है, दैट्स व्हाई इसमें था इन ए गिवन फिगर और मैंने इसको बिल्कुल खत्म कर दिया, वो लीनियर पेयर का भी इस क्वेश्चन में जिक्र कर रहा है, मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया, मैं आपकी बुद्धि को डेवलप कराना चाह रहा हूं। अब कैसे होगा ये आप देखिए, आपने करना सॉल्यूशन नंबर 4 क्या था, देखो पी ओ क्यू, देखो पी पी ओ
ये जो क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है आपका स्ट्रेट एंगल बनाएगा, एंड ओ आर इज ए कॉमन आर, ओ आर इज ए कॉमन आर, एक कॉमन आर ओ आर हो गई, सी ए का मतलब कॉमन आर। आपका ये कह रहे पी ओ आर इज इक्वल टू आपका देखो ए डिग्री है, और आपका देखो क्यू ओ आर ये इज इक्वल टू देखो बी डिग्री है, आपका देखो ये इसने बता दिया ए माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, ए एंड बी को फाइंड आउट करो, यू हैव टू फाइंड आउट ए द मेजर ऑफ द ए डिग्री। तो देखो आपका इसका मतलब देखो आपका पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, मैं नहीं कह रहा हूं इसके क्वेश्चन के हिसाब से ये गिवन है, इट मींस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपका देखो ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। Is it clear? Fine. Okay. अब ये क्या बोल रहा है, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू ए डिग्री एंड एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू बी डिग्री। ये देखिए ये स्टेटमेंट्स भी इनके गिवन में। अब आप देखिए इसका मतलब एंगल पी ओ आर और प्लस एंगल क्यू ओ आर क्यू थीटा लिख रहा है, क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई वाई स्ट्रेट एंगल तो ठीक है, कॉमन जिनकी एडजेसेंट आपका कॉमन आर्म होती है एडजेसेंट एंगल्स बनाते हैं और 180 बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये सारी चीजें आपको समझनी है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स याद करो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी नहीं बोला मैंने कल का जब मैंने आपको करस्पॉन्डेंस एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल वन एंगल का टू आपका वर्टिकली अपोजिट पहले आपका थ्री फोर आपका लिखा था, जैसे जैसे मैंने तो आप देख लीजिएगा वन और प्लस थ्री जीरो 180 आपका ऐसे बनाएगा। आप याद करो मैं जो तो याद रहता है मास्टर, तो जितना बुढ़ा होता है उसकी मेमोरी उतनी शार्प हो जाती है, हमने काम ही वही करना आपका। देखो इसका ए डिग्री और प्लस बी डिग्री इसी को 180 डिग्री इक्वेशन नंबर। और आपका देखो सेकेंड स्टेटमेंट देखिए आपका ए माइनस बी इज इक्वल टू देखो आपका 80 डिग्री ये दिया, ये भी गिवन। व्हेन यू हैव टू इक्वेशंस, जब आपके पास दो इक्वेशंस होती है आप इनको छह टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप नाइन्थ के बच्चे हैं, अभी मैं आपको खाली एलिमिनेटिंग मेथड से कर रहा हूं। एलिमिनेटिंग एलिमिनेट का क्या मतलब, कोई भी एक वेरिएबल आपका खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, वेनिस हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, यहां से किसी एक को मंच छोड़ के जाना पड़ेगा, ये बोर्ड छोड़ के नहीं है। तो आप यहां पे आप लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन नंबर वन इन इक्वेशन नंबर टू बाई एलिमिनेटिंग मैथड, एलिमिनेटिंग मैथड, एलिमिनेटिंग मैथड किसी एक को देखो, अब ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 ये आपका देखो, और ए माइनस बी इज इक्वल टू आपका सॉरी 80 डिग्री। यहाँ पे ए एंड बी एंड ए एंड बी दोनों इक्वेशन में इनके कोफिशियंट 1 1 है, 1a प्लस 1b, 1a माइनस 1b है। जब आपको साइन चेंज नहीं करने होते सेम आपका कोफिशियंट होते हैं वहां लिखते हैं ऑन एडिंग, और जब आपका आपका कोफिशियंट सेम बनाने होते अगर सेम नहीं है और उसके बाद अगर ये भी अगर प्लस होता कास, अगर ये भी नीचे वाला भी प्लस होता सपोज उस समय आप देखते ऑन सब्ट्रैक्शन, क्योंकि नीचे वाले के साइन आपको चेंज करने होंगे। तो देखो अब आपका यहाँ पे ये हो गया कोफिशिएंट सेम है लेकिन प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे आपका देखो ऑन एडिंग लिखेंगे, ऑन एडिंग, तो देखो ऑन एडिंग में साइन चेंज नहीं होते, प्लस और माइनस कैंसिल, 1a एंड 1a 2a इज इक्वल आपका देखो 260, तो आपका a इज इक्वल टू 260 / 2 130। ए की वैल्यू 130 डिग्री, तो देखो सब्सटीट्यूट ए इज इक्वल टू 130 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1 में रखो या 2 में रखो आपकी मर्जी। तो आपका देखो पहले ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 आप इसको लिख दीजिए, ए 130 आपका देखो प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये वैल्यू आपका यू हैव सब्सटीट्यूटेड द वैल्यू इन प्लेस ऑफ दिस ए, तो बी इज इक्वल टू देखो 180 एंड दिस पॉजिटिव साइन विल कम ट्रांसपोज ऑन द राइट हैंड साइड बाय चेंजिंग इट्स साइन, जिसको आप ओ टी कहते हैं, तो देखो बी डिग्री इज इक्वल टू आपका 50 डिग्री। लास्ट में ए डिग्री इज इक्वल टू
130 डिग्री और बी ए सी आपका, देखो बी ए सी आपका 50 डिग्री, ये आपके आंसर होगा। तो डू इट प्लीज। फिर उसके बाद कोई चीज पूछनी है, आर यू श्योर? पक्का, ठीक है, फाइन।